दोस्तों आज हम जा रहे हैं जज्जा वासिया, जहाँ पे हम विजिट करेंगे कुछ ऐसे बागात का जहाँ पे बहुत पुराने दरख्त पाए जाते हैं, दरख्त खजूरों के दरख्त। ठीक है, वहाँ पे एक पीपल का दरख्त है जो 500 साल पुराना है। ठीक है, आज हम वहाँ जाएंगे, हमारे साथ हमारी फ्रेंड भी मौजूद है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन की तरफ यहाँ से जज्जा वासिया कितना दूर है? दो 3 किलोमीटर। आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई कि आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। ओके, Bye.
पुराने दरख्त यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने जो दरख्त लगा हुआ है, ठीक है, ये खजूरों के बहुत पुराने दरख्त हैं, बहुत सी नस्लों के हैं। ठीक है, तो आपको ये दिखा दिया, अब हम आगे चलते हैं जहाँ पे आपको दिखाएंगे 500 साल पुराना दरख्त। ठीक है, बहुत पुराना दरख्त है आगे जज्जाबाद से बताया गया, तो हम आगे जा रहे हैं। ये हमारे साथ मोहन भाई खड़े हैं, ठीक है, जो हमारे साथ खड़ा है, हमारे बाबर भाई खड़े हैं, ठीक है, हमारे कैमरा मैन ये शुमाइल भाई खड़े हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, ये हम खजूर हैं, हम एक और बार में पहुँचे जो बहुत पुराने, तो खजूर का प्लेस करते हैं, कौन सी नस्ल की पता नहीं, कौन सी नस्ल की है। तो ये देखिए हमारे सामने और भी काफ़ी सारे दरख्त लगे हैं जो पुराने हैं, बहुत बहुत पुराने दरख्त हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे हैं, कभी विज़िट कीजिएगा आप जज्जाबासिया। तो अभी हम खजूर इंजॉय करते हैं और आगे चलो। भाई और बाबर भाई नलका गेरते हुए, और नलका अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि मैंने पानी नहीं देना। सामने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एक बाग है, यहाँ से आपको नज़र नहीं आ रही खजूरें, लेकिन है सही यहाँ से आगे। ठीक है, हम वहाँ जाएंगे, भाई से इंटरव्यू लेंगे कि कैसे यहाँ पे खजूरें आई, ठीक है, कैसे उठा, कैसा पैदा होता है। नवाब सबू साधे को इतना गए रिहायश आते पत्ता करें आया तो उन्हें को खजूर का इंतजाम आता व्यक्ति पूरा कर जितना गए रेस्ट मरे दिया गकड़ी थी इन्हें बाद इन्हें गकड़ी के खजूर पैदा थी गया खजूर जरा कीमती कीमती उन्हें आजाद करते सारे बंदे मतलब कि यानी ये हम कीमती कोई डेंडा खजिए कोई लालू है कोई है। गाड़ी वाली है कोई है सुमारी है कोई खजिए अपना छुहारा है पक्का छुहारा है कच्चा छुहारा पीला छुहारा कितनी किस्में के यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 20-25 किस्म। तो मतलब कि ये कितने साल पुरानी हो सकती है तकरीबन तकरीबन 50 साल मेरे पास तकरीबन 100 साल के 100 साल पुराने हैं। तो आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे के लिए। तो जैसा कि आपसे मैंने मुलाकात करवाई मोहम्मद अकबर साहब से, तो उन्होंने हमें बताया कि ये कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे दरख्त करवाया, ठीक है, लगवाए कैसे, कितने किस्म की खजूर उन्होंने आपको बताई तफसील, उनके तीन चार उनमें से गिनवाई, बहुत बहुत सारी किस्मों की यहाँ पर खजूरें हैं, लेकिन उन्होंने आपको तफसील से बताया। तो हमें क्या नाम है, अब आगे चलना होगा जहाँ पर 500 साल पुराना दरख्त लगा हुआ है, ठीक है, हम जाके आगे देखते हैं कि उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, कब से लगा हुआ है, क्या तफसील है उसके बारे में, हम आगे चलते हैं। जज्जाबासिया का स्टेशन जिसमें आजकल फैंस वगैरह पढ़ाई करती हैं और यहाँ पे गाई हैं स्टडी कर रही हैं, हम आपको अब यहाँ के के कुछ मासूम बच्चे जो के इधर मेहनत कर कर अपनी गायों को खिलाते हैं और इनकी हिफाजत करते हैं, ये आप देख रहे होंगे इधर।
अस्सलामुअलैकुम एक बार फिर से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो 500 साल पुराना दरख्त है, तो इसके बारे में फुल तफसील लिए भाई हमारे साथ खड़े, तो जब इनसे हम लेंगे कि कहाँ से आया, कैसे बना, किस जगह पे है, ये क्या है, उसके बारे में सारी कुछ। यह तकरीबन 500 साल पुरानी इमारत है। ये नवाब सादिक के दौर में बनी गई है। नवाब सादिक की तरफ से चाचा शरीफ जाता था शिकार खेलने के लिए, तो उसने ये रेलवे स्टेशन बनवाया जो खानपुर से चाचा शरीफ को मिलाती है। दरख्त के बारे में बताएंगे, और ये जो दरख्त है ना, ये स्टेशन बनने से भी पहले ये दरख्त थे, स्टेशन से भी पहले ये दरख्त थे। तो जैसा कि आपने सुना कि बहुत पुराना दरख्त है, इसके बारे में आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ गई, तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मुलाकात होगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको उम्मीद है कि हमारी जो वीडियो पसंद आएगी, हमने आपको पुराने दरख्त दिखाए, ठीक है, 500 साल पुराना आपको दरख्त भी दिखाया, खजूरों के दरख्त बाबा वगैरह आपको विज़िट करें, ठीक है। और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे ज़्यादा आपको विज़िट कराएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी करें। अगर पसंद आए ना, फिर भी करें, अगर ना पसंद आए तब भी करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना है। अगर नहीं करोगे तो हमारा आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास कैसे आएगा, है?